नमस्ते दोस्त। आज सबसे पहले इस खुश अवसर में मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। हमारे जो भी मुसलमान भाई बहन हैं सबको मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिन में जो यहाँ में पैंडमिक चल रहा है हमारे पूरे देश में, हमारे राज्य में, वो कम हो और हमारी ज़िंदगी वापस जैसी पहली थी वैसी हो जाए। तो मैं आज के दिन आप सब से ईद के इस खुश अवसर में मैं दुआ करता हूँ कि ये जो कोरोना का महामारी है वो ख़त्म हो। और इसके साथ मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, हम सब एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, सब जाकर नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी आपको दिल में रखना है, ध्यान में रखना है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये हमको मेंटेन करना है, और मास्क हमेशा पहन के रखिए। किसी को एक मौका नहीं मिलना चाहिए कि किसी भी धर्म को देखकर कोई बोले कि कोरोना इनके लिए स्प्रेड हुआ है, तो हम इनको मौका भी नहीं देना चाहते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ आप ईद अच्छी तरीके से मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और भीड़ भाड़ मत कीजिए, मास्क पहन कर रखिए। इस महामारी में हम सबको एक संग होकर, इस देश को एक संग होकर, हर धर्म को एक संग होकर आगे बढ़ना है। आखिर में मीडिया में एक रिपोर्ट आया था कि राजमाता को करोना हुआ है, ये सच बात है, राजमाता को करोना हुआ है, उनका बुखार है, हम उनके साथ हैं, लेकिन वो घर में है, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि वो स्टेबल है, लेकिन आपका दुआ का दरकार है। आप पूजा कीजिए, आप दुआ कीजिए कि राजमाता भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आखिर में सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमको धर्म से आगे हमको एक उन्नति को देखना है, और उसके लिए हम सबको एक ही बात कहना चाहते हैं, आज के दिन हम सब एक हैं। ईद मुबारक टू ऑल। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू।